Hello and very good afternoon to one and all. Myself Dr. Rakesh Singh Paraste, Assistant Professor of English from Swami Vivekananda Government Postgraduate College, Harda, Madhya Pradesh, India. And once again, today I am going to talk about the very, very important chapter, that is omission of articles. It means that when not to use of articles in English. Okay, so I have already, as you know very well, that I have already uploaded my past video, that is how to use of articles. And this video is when not use of articles. तो आपको दोनों पक्षों में बनना चाहिए कि कब आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए और कब करना चाहिए, क्योंकि जितने भी आप YouTube चैनल में आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे जानेंगे तो उसमें मोस्टली यही देखा जा रहा है कि आर्टिकल का प्रयोग कैसे करें, कब करना चाहिए, लेकिन ये ज़्यादा वीडियो आप नहीं पाएंगे कि कब नहीं करना चाहिए. तो जब तक दोनों पक्ष के बारे में हमको जानकारी नहीं होगी तब तक हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पाता. इस बार मैं इस वीडियो में मिक्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे मेरे कलीग्स हैं जिनकी डिमांड रही है कि सर थोड़ा मिक्स बनाइए इंग्लिश में भी एज वेल एज हिंदी में भी, तो सबको समझने में आसानी होगी. तो उन्हीं सब चीज को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो में ट्राई करूंगा कि इसमें मिक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल करूं सो दैट ऑल द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरी वेल, क्योंकि इंग्लिश इज नॉट फॉर क्लासेस. वंस अगेन आई रिपीट दिस सेंटेंस, इंग्लिश इज नॉट फॉर क्लासेस, इंग्लिश इज फॉर मासेस, जनसंचार के लिए. और इंग्लिश एक बार सीखी जाती है, हर बार नहीं, क्योंकि इंग्लिश एक ही है. चाहे आप मिडिल स्कूल में पढ़ें, हायर सेकेंडरी में पढ़ें, कॉलेज में पढ़ें, यूनिवर्सिटी में पढ़ें, या कि कॉलेज लाइफ के बाद पढ़ें, या कि आप गवर्नमेंट कुछ भी आप जॉब करें कुछ भी, तो इंग्लिश एक बार सीखी जाती है. इसलिए लाइफ में कुछ नहीं यार, बस एक बार आपको अच्छे ढंग से मेहनत करना पड़ेगा. एक बार ही मेहनत करना पड़ता है, बार बार कौन लाइफ में मेहनत करता है. बस एक बार करो, अच्छे से करो. मेरे तो तीन हमेशा सिद्धांत रहते हैं भाई, जोश, जुनून, जज्बा. और ये आपके अंदर होने चाहिए. यदि आपके अंदर ये तीनों चीज हैं, जोश, जुनून और जज्बा, तो डेफिनेटली यू विल बी अचीव योर टारगेट वेरी इजिली. एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज इम्पॉसिबल. सो लेट मी स्टार्ट दिस प्रेजेंटेशन. दिस प्रेजेंटेशन विल बी वेरी वेरी वंस अगेन वेरी वेरी यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग फॉर यू. सो लेट मी स्टार्ट माई प्रेजेंटेशन. ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स व्हेन नॉट यूज, यानी कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल जो हमने पढ़ा था, इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल एंड द का प्रयोग, तो कहाँ प्रयोग करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए. तो बेसिकली ये प्रेजेंटेशन रहेगा आपका कि हमें आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं करना चाहिए ये आने चाहिए, क्योंकि सभी लोग बताते हैं कहाँ करना चाहिए बट ये नहीं बताते कहाँ नहीं करना चाहिए. और जब तक हमको दोनों पक्ष बनेगा नहीं तब तक कन्फ्यूजन रहेगा, क्योंकि मैं शुरुआत में ही बोला था कि बहुत कन्फ्यूजिंग होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल्स के हर क्वेश्चंस आपको दो तीन क्वेश्चन हर हालत में कोई भी कंपिटिटिव एग्जाम दे इंग्लिश ग्रामर के, इंग्लिश लैंग्वेज के, तो आपको ये देना ही पड़ता है. इसलिए ये बहुत ही जरूरी होता है. इंग्लिश जब भी आप बोलते हैं आपको इंग्लिश का प्रयोग करना ही पड़ेगा. तो ये सारी चीजें हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये सिर्फ इंग्लिश को एकदम बोरिंग ना ले, इसको एक इंटरेस्ट के साथ पढ़िए. इंग्लिश एक समोसा है, मैंने कई बार बोला समोसा है, SHMMO समोसा है. बस इस समोसों को ऐसे चबा लीजिए. इंग्लिश फनी लैंग्वेज, बहुत इंटरेस्टेड लैंग्वेज है ये, और ये इट इज़ अ लिंक लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है और बहुत ही मज़ेदार लैंग्वेज है. लैंग्वेज, हर लैंग्वेज अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. तो मैं यही चाहूँगा आप लोगों से कि इसमें बने रहिए और आगे बढ़ते हैं. आइए इसमें सीखते हैं कि कब हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए. सो डेफिनेटली आई एम प्रीटी श्योर दैट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन, All the students will be able to know when to use and when not to use of articles, especially when not to use of articles. Okay, and omission of articles, it means that zero article. कब हमें article का प्रयोग नहीं करना चाहिए. तो इस वीडियो को देखने के बाद निश्चित रूप से आप यह एबल हो जाएंगे कि कहाँ कहाँ नहीं करना चाहिए, कहाँ करनी चाहिए. Okay. तो ये जो आपका स्लाइड्स है, व्हेन नॉट टू यूज ऑफ आर्टिकल, का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसके पहले मैं थोड़ा सा बहुत क्विकली रिवाइज कराऊंगा जो मेरा फर्स्ट जो प्रेजेंटेशन था, जो मेरा चैप्टर था कि हाउ टू यूज ऑफ आर्टिकल, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें प्रोनंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और इट इज राइटली सेड दैट प्रोनंसिएशन इज द सोल ऑफ द आर्टिकल. ओके, उच्चारण में आर्टिकल में जो है उच्चारण की अपनी अहम भूमिका होती है, इसलिए उच्चारण आर्टिकल की आत्मा कहलाती है. तो इसमें क्विकली रिवाइज करें, आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं होगी, मैं आपको यहाँ ले आता हूँ और रिवाइज करवाता हूँ थोड़ा सर की है. देखिए उसमें यही था. अब दोबारा नहीं कहेंगे कि आर्टिकल तीन प्रकार के, अब हमेशा कहेंगे देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल एंड डेफिनिट आर्टिकल. इंडेफिनिट आर्टिकल मैंने क्या क्या बताया था, ए और एन, दैट इज कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल, बिकॉज ए और ए, एक लड़का, एक बॉय, एक टेबल, एक पेन बोलते हैं, लेकिन अनिश्चित है वो कैसे.
आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। अब कौन सी कंपनी का पेन भाई, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपनीज पेन ना, किटसेलो, मोंटेक्स, लाइक दैट, ओके। तो ये सारी चीजें हैं, बट आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है, बट विच कंपनीज पेन आई डोंट नो, इट इज नॉट क्लियर। सो इट इज कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल, ओके। और एन का प्रयोग भी आपने सीख लिया, उसका जस्ट अपोजिट। उसमें मैंने ये एक बताया था कि इसमें आप इंग्लिश भी स्पोकन कर सकते हैं बहुत आसानी से, कैसे, कि द वर्ड्स बिगिन वोवेल आर कंसोनेंट, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द वर्ड्स प्रोनंसिएशन, उसकी उच्चारण इंपॉर्टेंट होती है। यदि उच्चारण में काटू ज्ञान, मतलब एक तरह से कंसोनेंट साउंड हो तो एक जनरली लगाया जाता है, वॉवेल साउंड हो तो एन लगाया जाता है, ये मैंने बताया था। और द के प्रयोग में किसी भी प्रकार की आपके प्रोनंसिएशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि द जो डिफिनिट आर्टिकल कहलाती है, द इज यूज्ड बिफोर यूनिक थिंग, कोई भी यूनिक थिंग होंगी उसके नाम के पहले लगेगा, द सन, द मून, कोई रिवर्स के नाम के सामने, डिजिग्नेशन के नाम के सामने, और आपकी इंग्लिश न्यूज़पेपर के नाम के सामने, सुपरलेटिव डिग्री के सामने, ये सारी चीजें मैंने आपको बता चुका हूं, तो ये आपको क्विकली रिवाइज कराया। अब हम इस वीडियो में, इस प्रेजेंटेशन में देखेंगे कि कब आपको नहीं करना चाहिए। तो ये है ओमिशन ऑफ आर्टिकल, जिसका ये आप सिंपल देख सकते हैं, ये जो है जीरो आर्टिकल, यानी जहां आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता वो जीरो कर दिया जाता है, ऐसे ये आपको लगाया जाता है आपके एग्जाम में। यदि पूछे जाएंगे फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल, तो यदि आपको आर्टिकल वहां प्रयोग नहीं करना है तो ऐसे क्रॉस कर देना, और ये आपके एग्जाम में वहां ऑलरेडी दिए रहेंगे, ओके। तो वी डू नॉट यूज ऑफ आर्टिकल, मतलब किसी पे, चाहे इंडेफिनिट हो, डिफिनिट आर्टिकल हो, हम कब प्रयोग नहीं करते हैं, किनके सामने नहीं करते हैं, बिफोर द नेम्स ऑफ रिलेशंस, यदि कोई संबंध है, फादर, अंकल, मदर, सिस्टर, तो इनकी पहले जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। बिफोर द नेम्स ऑफ मटेरियल, कोई भी मटेरियल जो नाउन होते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, डायमंड हो गया, इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल आपके सामने एग्जाम में आ गया कि डेस गोल्ड इज डेस प्रीशियस मेटल, गोल्ड तो समझ जाना है यहाँ कि भाई इसका जी है और कंसोनेंट साउंड भी है, तो ए गोल्ड कर दें, द गोल्ड कर दें, नो, क्यों, क्योंकि बिकॉज दिस इज मटेरियल नाउन, ये मटेरियल, तो मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो यहाँ कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। सिंपल इसको खाली छोड़ोगे, ये कि फिर ये वाला सिंपल जो है यहाँ लगा देना है, इसमें हो जाएगा गोल्ड इज, यहाँ जरूर लगेगा प्रीशियस मेटल, तो ए प्रीशियस मेटल, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, लेकिन यहाँ जो है जीरो आर्टिकल, मतलब आर्टिकल ओमिशन होगा, ओके। लेट्स मूव बिफोर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के भी सामने भी हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, जो ये जैसे लोटस हो गया, चेन्नई हो गया, प्रिया हो गया, रिया, जो भी एनी प्रॉपर नाउन, उसके नाम के सामने भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। और बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, जैसे आप देख सकते हैं डेस ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसलिए लगेगा क्योंकि बेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री में होता है, तो यहाँ हो जाएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। और कोई भी लैंग्वेज है, लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ड्स, उसके पहले भी वी डू नॉट यूज ऑफ एनी काइंड ऑफ आर्टिकल, सिंपल लाइक दैट आई एम स्पीकिंग डेस इंग्लिश, इंग्लिश इज द नेम ऑफ एनी लैंग्वेज, ओके। तो यहाँ आप किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ये नहीं बोलेंगे आई एम स्पीकिंग एन इंग्लिश की आई एम स्पीकिंग द इंग्लिश, नो, सिंपल रहेगा आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, ओके। एंड बिफोर सर्टेन फ्रेजेस, जैसे कुछ फ्रेजेस हैं, इसके नाम के सामने भी आर्टिकल नहीं लगता है, जैसे एट नून, बाई ट्रेन, ऑन फूट, ओके, लाइक दैट, यस। इस स्लाइड्स को बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत कंफ्यूजन है, और यही एग्जाम में आते हैं, खास करके कम्पिटिटिव एग्जाम में, और आप लोग जल्दी जल्दी के चक्कर में वहाँ गलत करके आते हो, कहते हो नहीं मैंने तो कर दिया, पूरा कंप्लीट कर दिया, मैंने कंप्लीट करके और भेज, बहुत ईजी था। और बहुत से, मतलब ये भी कंफ्यूजन होता है, अरे आर्टिकल सर अभी क्या पढ़ा रहे हैं, आर्टिकल तो बहुत ईजी है, ये मेरे बाएं हाथ का खेल, ये बोलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। ये क्या है कि इसको समझना पड़ता है बारीकी से, और इसी के चलते आपके नंबर्स जो हैं कंपिटिटिव एग्जाम में, कोई भी इंग्लिश के एग्जाम में कम होते हैं, समझिए इसको। आइए देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल को, आई गो टू डिस्टेंस कॉलेज एवरी डे, फिर नीचे वाले सेंटेंस देखिए, द कॉलेज इज सिचुएटेड बिहाइंड माय होम, कहने का मतलब ये बताना चाह रहा हूं मैं यहां कि वी डू नॉट यूज ऑफ एनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल बिफोर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेंपल, मार्केट, इनके नाम के सामने जो, जैसे स्कूल लिखा रहेगा, कॉलेज लिखा रहेगा, यूनिवर्सिटी लिखा रहेगा, मार्केट लिखा रहेगा, टेंपल रहेगा, इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। और किया भी जाता है, कंफ्यूजन मत होना कि सर बोल रहे हैं कि किया भी जाता है, नहीं भी किया जाता है, ठीक है, तो कंफ्यूजन मत हो, समझिए इसको, थोड़ा सा समझने की फर्क, सिर्फ थोड़ा सा, ओके, आइए समझते हैं इसको। आई गो टू डिस्टेंस कॉलेज एवरी डे, यहाँ जीरो आर्टिकल, कहने मतलब कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। पूछो क्यों, इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये जो कॉलेज है, कॉलेज किस लिए बनाए जाते हैं, किस लिए होते हैं, पढ़ने या पढ़ाने के लिए, एकेडमिक पर्पज के लिए होते हैं,
ठीक है। तो जब वो एकेडमिक यानी उसका जो प्राइमरी पर्पज के लिए जब वो प्रयोग वहाँ सेंटेंस में रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में? भाई आई गो टू कॉलेज, आप कॉलेज एवरी डे क्यों जाते हो? ये कि पढ़ने जाते हो कि पढ़ाने जाते हो कि कुछ एकेडमिक काम के लिए जाते होगे? तो सो भाई क्यों प्राइमरी मतलब उसका मेन है, ठीक है, प्राइमरी पर्पज है, इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की आर्टिकल नहीं लगेगी। अब नीचे सेंटेंसेस को देखिए, सेम वही कॉलेज है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पढ़ने पढ़ाने या प्राइमरी वर्क के लिए यूज नहीं किया गया है पर्पज के लिए। जैसे देखिए, कॉलेज इज सिचुएटेड, कॉलेज जो है स्थित है, ये बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि मैं कॉलेज जाता हूँ, ये यहाँ बोल रहा है कॉलेज स्थित है बिहाइंड माई होम। यदि आपके एग्जाम में ये वाला सेंटेंस आ गया, ये वाला नीचे वाला, तो आपको एग्जाम में सिर्फ यही लिखना है, यहाँ दा लगाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पढ़ने पढ़ाने का यूज नहीं हो रहा है, ये बता रहा है कि भाई कॉलेज स्थित है। अरे कॉलेज कहाँ स्थित है? मेरे घर के पीछे, यानी मेरे घर के पीछे कॉलेज स्थित है, ठीक है। तो यहाँ आपको दा लगाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, और लेकिन ऊपर में आपको दा नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये आई गो टू कॉलेज एवरी डे सेंटेंस से समझ में आ रहा है कि मैं कॉलेज प्रतिदिन जाता हूँ, कहने मतलब पढ़ने पढ़ाने एकेडमिक वर्क के लिए जाते होंगे। लेकिन नीचे के वाले यदि एग्जाम में ये सेंटेंस आ गया तो ये नहीं बोल रहा, ये सिंपल ये बोल रहा है कि द कॉलेज इज सिचुएटेड बिहाइंड माई होम, ओके। ये डिफरेंस ये है, कहने का मतलब मेरा ये है, जब उसका मेन प्राइमरी पर्पज के लिए जब वो सेंटेंस रहेगा, देखने से ही पता चल जाएगा, तो वहाँ आर्टिकल नहीं लगाना है। लेकिन यदि उसी कॉलेज टेम्पल स्कूल को यदि किसी दूसरे पर्पज के लिए बोला जाता है कि कहाँ बसा हुआ है, कैसा है, अच्छा है, बुरा है, ओके, तो उस समय आपको यहाँ द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। समझ में आई? ओके, एक सेंटेंस और देखिए, समझ में आ जाएगा। नीचे ही गोज टू डिस्ट्रिक्ट टेम्पल एवरी मंडे, वह प्रत्येक मंडे को टेम्पल में जाता है। टेम्पल में क्यों जाते हैं? प्रेयर करने के लिए, है ना, प्रार्थना करने के लिए, जो भी हो, ओके, वॉट एवर इट इज। तो यहाँ पास आपको, क्योंकि प्राइमरी यूज है, टेम्पल एवरी मंडे क्यों जाते हैं भाई? कोई भी हो, टेम्पल क्यों जाते हैं? प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, डेफिनेटली प्रेयर करने के लिए जाएंगे। यहाँ किसी प्रकार की आर्टिकल नहीं लगेगी। यदि इसी की जगह ये वाला क्वेश्चन आ गया आपके पास एग्जाम में कि द टेम्पल इज सिचुएटेड नियर द रिवर, या शुरुआत में डिस्ट्रिक्ट रहेंगे, टेम्पल इज सिचुएटेड नियर द रिवर, यानी नदी के पास में टेम्पल बनी हुई है। तो यहाँ ये बता रहा है कि टेम्पल में जाता हूँ नहीं जाता हूँ ये नहीं बोल रहा है, ये बता रहा है कि टेम्पल कहाँ पास बनी है, स्थित है, वो नदी के पास में है, ओके। तो ऐसे, और ये वाला भी देखिए नीचे, द थीप वेंट टू डिस्ट्रिक्ट, यहाँ द बेड आएगा, जो थीप है वेंट टू द बेड, भाई जो चोर है वो मतलब थीप जो है वो बेड पर गया, बेड पर क्यों गया? चुराने के लिए गया ना, तो उसका अलग पर्पस हुआ, ठीक है। तो यहाँ दा लगा होगी, इसमें मैं आगे पीछे कर दिया हूँ कंफ्यूजन कराने के लिए आपको, ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो, ओके। और नीचे वाले सेंटेंस, आई गो टू डिस्ट्रिक्ट बेड अर्ली, मैं बहुत ही जल्दी बेड पे चला जाता हूँ। तो आप हम क्यों चले जाते हो भाई? सोने के लिए जाते हो ना। तो जब इसका प्राइमरी वर्क पर्पज के लिए होगा तो आर्टिकल नहीं लगाना है, लेकिन जब किसी को किसी दूसरे मतलब उसमें बताना हो तो आर्टिकल लगाना है। बस यही थोड़ी सी डिफरेंस है, इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, ओके। तो ये सारी चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे शेक्सपियर इज द नेम ऑफ एनी प्रॉपर नाउन है, ओके। तो यहाँ आप किसी प्रकार के आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ये दिल्ली भी प्रॉपर नाउन है, यहाँ भी आर्टिकल नहीं लगेगा, ज्यों कहते हुए रहेंगे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, शेक्सपियर वॉज द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट इन इंग्लिश, ऐसे। लेकिन हाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ आर्टिकल फिर नीचे लगेगा, तब लगेगा जब हम उस प्रॉपर नाउन को सेक ऑफ कंपेरिजन किसी दूसरे से कंपेयर करेंगे तो वहां लगेगा। जैसे हम जानते हैं ना अपने कालिदास को, कालिदास इज नॉन एज, यहाँ लगेगा दा लगेगा, ये जो भले ही प्रॉपर नाउन है लेकिन यहाँ दा लगेगा। क्यों? क्योंकि कालिदास की कंपेरिजन हम नहीं सॉरी शेक्सपियर की कंपेरिजन हम अपने इंडियन कालिदास से कर रहे हैं, इसलिए यहाँ लगेगा। लेकिन जब सिंपल ये रहेगा तो यहाँ नहीं लगेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कालिदास इज नॉन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास जो है भारत के शेक्सपियर के रूप में जाने जाते हैं, तब यहाँ लगेगा, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस यू कैन सी हियर, समुद्रगुप्त वाज द नेपोलियन ऑफ हिज एज, समुद्रगुप्त जो है अपने एज की क्या कहलाते थे, वो नेपोलियन कहलाते थे। तो एट दैट टाइम यू हैव टू यूज द, बट इफ सिंपल प्रॉपर नाउन आर देयर विदाउट एनी कंपेरिजन, सो एट दैट टाइम यू डू नॉट यूज टू एनी काइंड ऑफ आर्टिकल, ओके। एंड बिफोर नेम्स ऑफ मटेरियल, आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, मटेरियल के सामने किया जाता है, और ये कॉमन नाउन के सामने आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ऑब्जेक्ट नाउन के सामने नहीं होता है, ओके। लेकिन यहाँ वी कैन सी, जैसे हम यहाँ कहेंगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी के पहले नहीं लगेगी, लेकिन हम यदि इस सेंटेंस को इस प्रकार से बोलते हैं, द ऑनेस्टी ऑफ माई ब्रदर इज बियॉन्ड एनी डाउट, कि मेरे भाई की जो ईमानदारी है, ईमानदारी की जो उसकी क्वालिटी है, वो बियॉन्ड एनी डाउट, मतलब कोई डाउट से मतलब बियॉन्ड है,
ओके, तब यहाँ लगाओगे, लेकिन जनरली ऐसे नहीं लगता है। ओके, कलेक्टिव नाउन्स के पहले भी आर्टिकल नहीं लगेगा, अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले भी आर्टिकल नहीं लगता है, लैंग्वेज मैं तो बता ही चुका हूँ। ओके, तो ये आपके सामने इस प्रकार के आपके एग्जाम में रहेंगे। ये वाला मैं जो होमवर्क था आपको दिया था मेरे फर्स्ट वीडियो में, जिसका आंसर आप मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने दोनों वीडियो अब कंप्लीट कर चुका हूं, तो मैं इसमें यही बताऊंगा आपको कि कैसे आप इसमें आपको आफ्टर वॉचिंग माई बोथ वीडियो हाउ टू यूज ऑफ आर्टिकल एंड व्हेन नॉट टू यूज ऑफ आर्टिकल, यदि आपने इसको अच्छे से समझ लिया है तो डेफिनेटली इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या है, आई लिव लाइक, मुझे रहना पसंद है, डेस्ट डेस्ट ओपन एयर, कंफ्यूजन मत होना, ये ओपन जो है ना, ओपन कहने का मतलब ये है कि ओ है, और मतलब इट मीन्स दैट कि द वर्ड्स बिगेन वोवेल एंड कंसोनेंट इज वोवेल, तो हम यहाँ एन लगा दे, नहीं ऐसे गलती मत करना, और यही गलती करके आप एग्जाम में आते हो और कहते हो मैंने तो करके आया, अरे मेरे इस बार अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन नंबर कट जाता है, यही एक डिफरेंस होती है। तो यहाँ आपको क्या लगाना है, दा लगाना है। अब कंफ्यूजन हो गया है ना, क्यों दा लगाना है, सर ने तो बोला था कि आप खुद बोल रहे हैं सर कि वोवेल के सामने एन कंसोनेंट के सामने ए, लेकिन नहीं दोस्त, इसको समझो, ये ओपन बस नहीं है, ये ओपन एयर है, खुली हवा है, और हवा क्या होती है, एयर क्या होती है, यूनिक है, जो इस दुनिया में एक ही है, उसके समान कोई दूसरा नहीं है, तो ओपन एयर है ना कि ओपन, ये सिंपल ओपन रहता तो जरूर डेफिनेटली एन लगाते, लेकिन ये ओपन एयर है, इट मींस दैट ओपन एयर कहने मतलब यूनिक थिंग है, तो यूनिक थिंग के पहले क्या लगाने के लिए बोला मैंने, द, तो क्या लगाओगे यहाँ, आई लिव लाइक डेस्ट 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 ओपन, जितने भी क्वेश्चन है मैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लिया हूँ, ठीक है, तो इसमें सिंपल क्या लिखोगे, आई लिव लाइक डेस्ट डेस्ट की जगह क्या लिख दोगे, द ओपन एयर, बन गया बहुत सिंपल। नीचे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव डेस्ट डेस्ट वन रुपी नोट, अब यहाँ कन्फ्यूजन मत होना, रुपये एक रुपए होता है तो एक रुपए मेरे पास भी है, आपके पास कोई यूनिक थिंग नहीं है, ठीक है ना, एक रुपए का नोट है तो यूनिक नहीं है, मेरे पास है आपके पास है, ठीक है, तो मेरे पास एक रुपए का नोट है तो स्वाभाविक है आपके पास भी एक रुपए का नोट हो सकता है ना, तो वैसे भी आजकल एक रुपए का नोट चलते नहीं, लेकिन ये समझने के लिए बनाया गया है, आई हैव डेस्ट डेस्ट वन है, भले द वर्ड्स बिगेन वोवेल बट द प्रोनाउंसिएशन इज नॉट वोवेल, प्रोनाउंसिएशन इज कंसोनेंट वन, ओके, आवर प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट विद वन इन कंसोनेंट साउंड, तो कंसोनेंट क्या लगाओगे यहाँ, आई हैव ए वन रुपी नोट, एंड थर्ड सेंटेंस यू कैन सी हियर डेफिनेटली आई हैव टॉक्ड अबाउट रिसेंटली टॉक्ड अबाउट ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है, एक तरह से ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और वी डू नॉट यूज ऑफ एनी काइंड्स ऑफ ऑब्स्ट्रैक्ट एनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल बिफोर ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो यहाँ किसी प्रकार की आर्टिकल नहीं होगी, यहाँ जीरो आर्टिकल होगी, मैं आंसर ही सामने लिखा हूँ, ये क्या होगी यहाँ, जीरो आर्टिकल, इट मीन्स दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, आई गो टू डेस्ट डेस्ट मार्केट एवरी संडे, एवरी संडे मार्केट क्यों जाते हो, खरीदारी करने के लिए जाते हो, तो यहाँ क्या लगाओगे, जीरो आर्टिकल, लेकिन यहाँ कहेंगे मार्केट इज सिचुएटेड नियर आवर कॉलोनी, मार्केट जो है हमारी कॉलोनी के पास में ही बसा हुआ है, तो यहाँ दाल लगेगा, अब तो कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना, दैट्स गुड। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम डेस्ट डेस्ट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी के पहले लगाना नहीं ये बोला, लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं बोली, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, मैं एक यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, ओके, तो यहाँ आपको यूनिवर्सिटी यू, इट मीन्स दैट कंसोनेंट्स ऑन, भले स्टार्ट यू से हुआ वोवेल, बट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट वर्ड इज नॉट वोवेल, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट वर्ड इज कंसोनेंट, सो यू हैव टू यूज हियर ए, आई एम अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ये सेंटेंस देखिए, ये नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, माई फादर इज डेस्ट 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 MBBS डॉक्टर, कंफ्यूजन मत होना, M है कंसोनेंट है, लेकिन इसका प्रोनंसिएशन कंसोनेंट नहीं है, इसको जब बोलते हैं तो क्या लिखोगे, M, M इट मींस दैट यदि हिंदी वाले हो तो जरूर समझ जाओगे, इसको M बोलते हैं, M मतलब पहला जो होता है एडी, समझ रहे हो ना, एडी, इसको M, इसको माँ BBS नहीं बोलते, इसको MBBS बोलते हैं, M, तो स्टार्ट भले कंसोनेंट से हो लेकिन उसका उच्चारण कंसोनेंट नहीं दोस्त, इसका उच्चारण क्या हो गया, ए हो गया, यानी वोवेल हो गया, इसलिए एन लगेगा, माई फादर इज एन MBBS डॉक्टर, ओके, इट इज क्लियर दैट, एंड वंस अगेन दिस आई एम सॉरी दिस सेंटेंस इज रिपीटेड, एंड वी मूव ऑन नेक्स्ट सेंटेंस, माउंट एवरेस्ट इज डेस्ट डेस्ट हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, दिस इज द सुपरलेटिव डिग्री, एंड वी ऑलवेज वी यूज ऑफ द बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, तो ऑलरेडी हियर व्हाट यू हैव टू यूज द, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, डेफिनेटली यू हैव टू राइट हियर द नर्मदा, नर्मदा इज द नेम ऑफ रिवर, ओके, तो यहाँ द का प्रयोग होगा, द नर्मदा इज अ लाइफ लाइन इन MP, ही डेली रीड्स द टाइम्स ऑफ इंडिया, दिस इज द नेम्स ऑफ इंग्लिश न्यूज पेपर, सो यू हैव टू यूज हियर द टाइम्स ऑफ इंडिया, ही इज डेस्ट डेस्ट ऑनेस्ट मैन, इसको ऑनेस्ट बोलोगे तो ए लगेगा, लेकिन यदि सही उच्चारण जानते हो आप ऑनेस्ट बोलते हो तो यहाँ एन लगेगा, तो ही इज डेस्ट डेस्ट ऑनेस्ट मैन, इट मीन्स दैट ही इज एन ऑनेस्ट मैन, द ताजमहल इज अ यूनिक बिल्डिंग, अमरकंटक, क्योंकि मैं अमरकंटक से बिलोंग करता हूँ, ठीक है ना, तो इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, तो अमरकंटक इज अ
होली टाउन, अमरकंटक कैसे टाउन है, होली एक पवित्र एक सिटी है, आप कभी घूमने आइएगा, अमरकंटक बहुत अच्छी जगह है। ओके, तो ये आप आसानी से कोई भी एग्जाम में बैठो, इंग्लिश ग्रामर में ये पार्ट आपको आने ही चाहिए और हर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत आपके लिए फायदेमंद होगा। और डेफिनेटली आई एम प्रिटी श्योर दैट कि आप इस वीडियो से जरूर सीखे होंगे, और मुझे आप कमेंट्स करके बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि ये जो मेरा चैनल है, इस चैनल को मैं सिर्फ अपने एक किसी अलग पर्पज से नहीं यूज किया, इसको मैंने एक एकेडमिक पर्पज से बनाया, क्योंकि अभी ड्यू टू कोरोना वायरस इसके चलते पूरे स्टूडेंट सभी स्टूडेंट्स हैं अभी भी रिमोट एरिया में हैं, कई ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास सेलफोन नहीं सही ढंग से, तो वो एक दूसरे की सेलफोन से इसका मतलब जितने भी मैंने इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज फाउंडेशन कोर्स, लिटरेचर, प्रेजेंटेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल का मैं प्रोवाइड करूंगा, तो वो उनके लिए सब डेडिकेटेड हो रहा है, तो उनके उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये सारी चीज बनाया है। निश्चित रूप से इसका फायदा उठाइए, और जो जो भी ये वीडियो है इस पर जरूर देखिए और अपने कमेंट मुझे करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू टू ऑल।